वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 252। तो 252 दे रखा है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम दे रखा है, और एचसीएफ हमारा 12 दे रखा है, और डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, 48। हमें क्या फाइंड करना है? सम। तो सम फाइंड करने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सम फाइंड करने का, अगर जब आपको ये सब वैल्यू दे रखी है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको ये वाला उससे पहले ये वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डिफरेंस हमारा दे रखा है। हमारा डिफरेंस दोस्तों 48 दे रखा है आपके स्क्रीन के सामने, ये देख सकते हैं आपको, ये 48 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, डिफरेंस हो गया 48, और x इंटू वाई जो वैल्यू है दोस्तों, दोनों नंबर x और इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, दो जो नंबर है ओवर 252 और 12, 252 और 12, ये x और y की वैल्यू है। अब इस फॉर्मूला को दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सम हमें निकालना है, तो सम निकालना है तो इसके इक्वल टू में दोस्तों क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर दोस्तों, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है क्या है दोस्तों, हमने अभी बताया था एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारी 48 है, तो मतलब 48 का स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों नोट कर दिया हमने, 48 का स्क्वायर। 4 की जगह दोस्तों हमने 4 ले लिया, और x और y की जगह पे हमने दोस्तों 252 और 12 ले लिया, 252 ये रहा और 12 ये रहा, ये दोनों नंबर को हमने ले लिया। अब फ्रेंड्स सिंपल है, आप 48 का स्क्वायर कीजिए प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और 48 के स्क्वायर को ऐड करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो वैल्यू आती है वो है 1440, मतलब कि 144,000, 144,000 जो वैल्यू है दोस्तों। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट आ जाएगा, आपको पता ही होगा दोस्तों, स्क्वायर कट के रूट आ जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 12 का, और 00 का एक जीरो ले लिया, एक्स प्लस वाई जो कि सम है दोस्तों वो 120 आ गया हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 120। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।